नमस्कार मित्रों, मैं कुशाग्र जैन राजस्थान की एक और शैली मारवाड़ शैली के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। इस शैली में लोक आख्यानों का चित्रण किया गया है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर आदि क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। राव जोधा द्वारा स्थापित राज्य और वहाँ के विभिन्न ठिकानों में पल्लवित होने वाली चित्र शैली को मारवाड़ शैली के नाम से जाना जाता है। लामा तारानाथ के अनुसार इस शैली का संबंध श्रृंगार से है, जिससे स्थानीय तथा अजंता परंपरा के सामंजस्य द्वारा मारवाड़ शैली को जन्म दिया। तिब्बत यात्री लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश में श्रृंगतर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। इससे यह पता चलता है कि मारवाड़ शैली में चित्रकला काफ़ी पहले प्रारंभ हो चुकी थी। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है और हाशिए में भी पीले रंग का प्रयोग किया गया है। मारवाड़ की विभिन्न शैलियों में पहली उपशैली है जोधपुर उपशैली। इस उपशैली में मुगल शैली का प्रभाव है, जिसका विकास राव मालदेव के समय में हुआ था और इसका स्वर्ण काल जसवंत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। चित्रण विषय में है नाचचरित्र, भागवत, पंचतंत्र, ढोला मारू, मुमल्दे निहाल दे, उजली जेठवा आदि लोग गाथा है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं किशनदास भाटी, अमर सिंह भाटी, वीर सिंह भाटी, देव सिंह भाटी, शिवदास भाटी, रतन भाटी, नारायण, गोपालदास, छज्जू, कालूराम। टोला मारू यह नरवर के राजा वजांगलु देश की राजकुमारी की प्रेम गाथा है। ढोला मारू का चित्रण उष्म रंगों से हुआ है और इस कथानक को मारवाड़ में साबद्दीन द्वारा भी चित्रित किया गया है, जो दो खंडों में विभक्त है। इसकी अगली उपशैली है बीकानेर उपशैली। यह भी मुगल शैली से प्रभावित रही है और इसका विकास रायसी राठौड़ के समय में हुआ था और इसका स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का काल माना जाता है। यह एकमात्र ऐसी चित्र शैली है राजस्थान की जिसमें चित्रकारों ने चित्र के साथ अपने नामों का भी उल्लेख किया है। इस शैली में भी दरबार, शिकार तथा वन उपवन के चित्र बने हैं। इस शैली में धार्मिक ग्रंथों के कथानकों पर सर्वाधिक चित्र महाराजा करणी सिंह के काल में बने। इस शैली के चित्रकार हैं रामलाल, अजीरजा और हुसैन। बीकानेर शैली में एक चित्र का निर्माण हुआ था विष्णु लक्ष्मी, जिसे हामिद रुकमद्दीन ने बनाया था 1678 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त एक और चित्र है बाज बहादुर और रानी रूपमती, जो कि 1720 ईस्वी में निर्मित हुआ था और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसकी एक प्रसिद्ध उपशैली किशनगढ़ उपशैली है, जिसे प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली व डॉक्टर एरिक डिक्सन को दिया जाता है। यह राजस्थान राज्य की प्रतिनिधि चित्र शैली है और इसका स्वर्ण युग सावन सिंह नागरीदास का समय माना जाता है, जो कि 1747 से 64 ईस्वी के मध्य था और बनी ठनी इस शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र में कलाकार निहाल चंद ने सावन सिंह व उनकी प्रेमिका बनी ठनी को राधा व कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। किशनगढ़ शैली में सर्वाधिक नारियल का वृक्ष चित्रांकित हुआ है। किशनगढ़ शैली में गुलाबी सफ़ेद रंगों की प्रधानता है। इसका चित्र है बनी ठनी, जिसे चित्रकार निहाल चंद ने बनाया था 1755 से 1757 ईस्वी के बीच। इसका आकार 48.8 से 36.6 सेंटीमीटर है और यह अजमेर संग्रहालय में संरक्षित है और इसकी एक और प्रति भी है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है और एक और प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में संरक्षित है। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है और बनी ठनी का चित्र डाक टिकटों पर भी जारी किया गया है, जिस जो कि 5 मई 1973 को जारी किया गया था। इसके कुछ और चित्र है दरबार में संसार चंद, कृष्ण व राधा, जिसे कि भी निहाल चंद ने बनाया है। इसकी एक और उपशैली है
मारवाड़ शैली की, जिसे नागौर शैली के नाम से जाना जाता है और जिसमें धार्मिक चित्रण अधिक किया गया है और इसमें हल्के भूजे रंगों का प्रयोग किया गया है। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना और मारवाड़ शैली के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे भी राजस्थान की विविध शैलियों, उपशैलियों और चित्रकला, मूर्तिकला और कला की विविधताओं पर विभिन्न वीडियो अपलोड होते रहेंगे, जिन्हें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।